दोस्तों आज हम आपको गुलर के फल के बारे में बताएंगे। ये जो देख रहे हो फल, ये गुलर का फल है जिसे फाइकस रेस्मोसा भी कहते हैं, और ये पशु पक्षियों के लिए बहुत ही शानदार फल है। इसलिए आम जन से अपील करते हैं कि अपने जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, कोई भी धार्मिक त्यौहार हो, तो इस जो वृक्ष है इसको स्थानीय भाषा में उबरा का वृक्ष बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लगाए और पशु पक्षियों का संरक्षण करें। आप देख ही रहे हो कितने सारे फल लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार कौआ है, कबूतर है और गिलहरी है, सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट फल है। और मैं आपको एक बार तोड़ के दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसे ध्यान से। इसमें बहुत सारे बीज भी है और बहुत सारे अन्य कीटाणु भी है जो बहुत सारे पर्यावरण का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत। इस फल के अंदर से न जाने कितने जीवाणु और सूक्ष्म जो जीव है वो इसका भक्षण करते हैं, जो पशु पक्षियों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और प्राणी मात्रा के लिए बहुत ही अच्छा गुलर का वृक्ष माना जाता है, और इसे देववृक्ष की श्रेणी में भी रखा गया है। इसका फल है गुलर का, ये अंजीर की प्रजाति जैसा होता है, और अधिक से अधिक अपील है कि इस वृक्ष का पौधारोपण करें। जय हिंद जय भारत।